अब मैं जाकर उनको बोलूंगा आप गाड़ी चलाओ, चेक करो, देखो फिर आप कितना पॉइंट देते हो वो देखो एक बार आप। तो मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ और 10 में से 10 देता हूँ पूरे। अच्छा, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है 2022 हुंडई वर्ना और इसमें लगा है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेट इंजन। ये गाड़ी आज हमारे पास आई है जोधपुर से फॉर सीएनजी किट इंस्टॉलेशन। तो हमने इसमें आज सीएनजी किट इंस्टॉल की है और साथ में डायनामिक एडवांसर इंस्टॉल किया है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में सीएनजी की इंस्टॉलेशन किस तरह से की है, सीएनजी के पार्ट्स कहाँ कहाँ किस किस तरह से प्लेस किए हैं, उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, और उसके बाद ओनर का एक फीडबैक लेंगे कि उन्हें गाड़ी की परफॉर्मेंस में सीएनजी और पेट्रोल में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। सो ये हमारा वर्ना का इंजन बे और शुरुआत करते हैं फिलिंग वॉल्व से। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। ये हमारा रिड्यूसर, रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग जीरो प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके ये गेज लगाया, गेज का काम होता है जो स्विच होता है गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। साथ में ये मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का। ये हमारे इंजेक्टर रेल्स, इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। पीछे की तरफ आ जाए तो ये है हमारा ईसीएम सीएनजी सिस्टम का। ईसीएम बेसिकली माइंड भी होता है सीएनजी सिस्टम का, बिकॉज जितनी भी हम ट्यूनिंग करते हैं वो इसी में ही सेव होती है और जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के लगे होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। साथ में इसमें लगा है ये है 8 इंजेक्टर वाला ईसीएम। बेसिकली होता क्या है, ये गाड़ी जो है 8 इंजेक्टर के साथ है, मतलब पर पिस्टन 2 इंजेक्टर्स, दैट मींस 8 इंजेक्टर टोटल हैं। तो जो हमारा सीएनजी का ईसीएम होता है जो किट में आता है वो 4 इंजेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए डिजाइंड होता है। तो हमें एक एडिशनल ईसीएम इसमें लगाना पड़ता है जो कि बाकी के 4 इंजेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और साथ में ये लगा है डायनामिक एडवांसर। इस गाड़ी में स्टैटिक एडवांसर भी कंपैटिबल हो जाता है मगर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो डायनामिक एडवांसर बेसिकली गाड़ी के क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, थ्रॉटल सेंसर और मैप सेंसर के साथ मिलके गाड़ी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। होता क्या है, जो स्टैटिक एडवांसर है वो हमारा मैनुअली ट्यून होता है और ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, तो इसकी लैपटॉप के थ्रू ट्यूनिंग होती है। तो इसकी ट्यूनिंग बहुत ही प्रिसाइज होती है जिसकी वजह से गाड़ी की स्मूथनेस बहुत अच्छी हो जाती है, वाइब्रेशंस नहीं आते गाड़ी में, थ्रॉटल रिस्पॉन्स एकदम एक्यूरेट जैसा पेट्रोल में होता है वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये तो आपने देख ली इंस्टॉलेशन किस तरह से की गई है, सारी चीज़ें प्रॉपरली सिक्योर मैनर में प्लेस की गई है, ब्रैकेट्स बना के हर चीज़ प्रॉपरली एकदम सॉलिड, देखिए आप ब्रैकेट तैयार करके हर चीज़ को प्रॉपरली प्लेस किया गया है। और ये वायरिंग आप देख सकते हैं, सीएनजी किट की पूरी वायरिंग है, सारे जितने भी इन तीनों के वायर्स हैं, चाहे हमारे डायनामिक हो गया या ये 8 इंजेक्टर ईसीएम हो गया या ये ईसीएम हो गया, इन सब की वायरिंग को प्रॉपरली स्लीव करके कवर करके लगाई गई है ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का फॉल्ट या एरर गाड़ी में ना आ पाए। तो अब मैं एक बार आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि गाड़ी में कितना बूट स्पेस बचा है सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। सो ये है हमारा वर्ना का बूट स्पेस और इसमें हमने लगाया है 14 केजीज का सिलेंडर। और 14 केजीज का सिलेंडर लगने के बावजूद भी इस गाड़ी में बहुत अच्छा स्पेस निकल के आता है, आप अच्छा खासा लगेज इस गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। बाकी स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ हमने और एडिशनल इसमें इंस्टॉल की है, आप ये देखें इसके स्प्रिंग्स में कुशन बफर्स इंस्टॉल किए हैं। बेसिकली होता क्या है, गाड़ी में जब हम सीएनजी का सिलेंडर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा वेट की वजह से गाड़ी थोड़ा सा डाउन 1 से 1.25 इंच आ जाती है, बिकॉज जो कंपनी के स्प्रिंग्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हर टाइम इतना ज़्यादा एक्सेस वेट वो हैंडल कर सके, क्योंकि ये एक तरह का डेड वेट है जो आपकी डिक्की में हर टाइम रखा रहेगा। तो कुशन बफर्स बेसिकली गाड़ी के जो स्टॉक स्प्रिंग्स होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं इस एक्स्ट्रा वेट को हैंडल करने के लिए, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से जो गाड़ी में बॉडी रोल आ जाता है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और ओनर से पूछते हैं उन्हें गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। तो सर, आपकी वर्ना में 2022 में हमने आज सीएनजी किट इंस्टॉल की है विद डायनामिक एडवांसर और आप स्पेशली जोधपुर से आप आए हो सीएनजी इंस्टॉल कराने, आपको वहाँ जोधपुर में कोई नहीं मिला सीएनजी लगवाने के लिए, इतनी दूर आए आप? नहीं, सीएनजी वाले वहाँ पे 5-6 जने बैठे हैं स्पेशल स्पेशल, जिनके नाम अच्छे खासे नाम भी है। तो मैंने, लेकिन जो मेरे रिलेटिव है उन सबसे डिस्कस किया आपस में कि भाई सीएनजी लगवाता हूँ मैं, तो फिर मुझे कुछ गाड़ी में पेट्रोल के और सीएनजी में क्या बिहेवियर में कुछ क्या फर्क है, डिफरेंस मेरे को दिखेगा। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि भैया फर्स्ट और सेकेंड गेयर में जो गाड़ी जो जर्किंग आनी है वो तो आनी जो आनी है आपको,
उससे आपको कोई आप सीएनजी आपको लगवानी भी है और आपको कुछ डिफरेंस भी नहीं चाहिए तो उसके अच्छा पेट्रोल में चलाओ। कि मैं आज से साल भर पहले से आपको फॉलो कर रहा था यूट्यूब पे, इंस्टा पे देखता हूँ करता हूँ आपको, तो चैनल को देख रहा था। मैंने सोचा एक बार आपसे बात डिस्कस किया जाए, फिर मैंने डिस्कस किया आपसे तो आपने कहा भैया आप आओ, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आनी है और अब तो डायनामिक आ गया उसमें आपको, और भी आपको 100% रिजल्ट मिलना है आपको। फिर मैंने घर पर बात करी पेरेंट्स को कि मुझे सीएनजी लगवानी है तो मैं एक बार दिल्ली जाने का सोच रहा हूँ। सब ने मुझे मना कर दिया, मेरे ब्रदर ने फादर साहब ने सबने मना कर दिया कि नहीं आपको लगवानी तो लोकल लगवा लें, इतनी दूर या मैं इतना दूर क्यों जा रहा है तो या फिर अंदर वाले मेरे को जान बचेगा वहां लगवा ले। मैंने कहा मुझे लगवानी तो वही से लगवानी है और मैंने उन भैया के फीडबैक रिव्यू देखे हैं तो मुझे सब ट्रस्ट है उन पे के कुछ उसमें काम मेरा अच्छा ही होगा 100% मेरा। और जिस चीज पे जिस बेस पे मैं आया यहाँ पे तो मुझे लगता है कि अब मेरी बात सही है। अब मैं जाकर उनको बोलूंगा आप गाड़ी चलाओ, चेक करो, देखो फिर आप कितना पॉइंट देते हो वो देखो एक बार आप। तो मतलब आप संतुष्ट हैं? हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ और 10 में से 10 देता हूँ। अच्छा, खैर आपने तो बोल ही दिया, मगर इन शॉर्ट हम लोग व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो इस गाड़ी में काम किया, जो भी काम की क्वालिटी है वो आपको कैसी लगी, उसका स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा? बेसिकली काम करने का तरीका और आपका भैया स्पेशल आपका जो स्टाफ है वो भी एक जेन्युइन अच्छे लड़के हैं, जो उनको आपने जैसा आपने गाइड किया ना बड़ी सफाई से, बड़ी नीट एंड क्लीन, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो अपना बेस्ट कर रहे हैं वो। जाते मैंने देखा और काम एक नंबर काम हुआ है, काम में कोई भी काटा काटी या कुछ भी या वायर इधर उधर या गाड़ी को कोई डैमेज या कुछ भी नुकसान कुछ भी नहीं, बड़े प्यार से काम किया है जी। और सैटिस्फाइड है, मतलब सैटिस्फाइड हूँ रियली मैं, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। तो सर हमारे सैटिस्फाइड है और देखिए बहुत दूर से आएंगे इतना फेथ करके घर पे झगड़ के कि भाई मेरे को जाना है वहीं जाना है, उसके लिए तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इतना फेथ उन्होंने किया और इतनी दूर आए। क्योंकि इतनी दूर से बंदा आता है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम पे भी बहुत प्रेशर होता है कि गाड़ी एकदम परफेक्ट हो और बंदा अच्छे से सेटिस्फाइड होके जाए, अच्छे से एक घंटा दो घंटा अच्छे से ड्राइव ले, उसके बाद वो अपने सफ़र को वापस कंटिन्यू करे। तो और बहुत से लोगों का एक डाउट रहता है यार मेरी ये वाली गाड़ी है कौन सी किट लगाऊँ, तो हमेशा हज़ारों बार मैं ये बात रिपीट कर चुका हूँ, देखिए आप कोई भी ब्रांड की किट चूज़ कर सकते हैं, मेन जो क्राइटेरिया है वो है कि आप जिससे लगवा रहे हैं वो कितना साउंड बनता है, टेक्निकली कितना साउंड है। देखिए किट को लगा देना कोई कला नहीं है कि यहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया सफाई से लगा दिया, ठीक है अच्छी बात है सफाई से लगाना बहुत अच्छी बात है, मगर उस सफाई से लगने के बाद गाड़ी की जो मेन जो चीज़ है जो मेन फैक्टर है वो है कि उसकी ट्यूनिंग किस तरह से की गई है। आपने बहुत अच्छी तरह से हर चीज़ को प्लेसमेंट कर दिया मगर आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी का पोटेंशियल क्या है, गाड़ी कितने गियर पे कितनी आरपीएम पे झटका मार रही है या मैं कितना छोड़ रहा हूँ ऐसे तो क्या बिहेव कर रही है। तो मेन जो है ना वो है कि आप अचानक से रेस दे रहे हो तो गाड़ी कैसे बिहेव कर रही है, तो ये सब क्राइटेरिया जिस बंदे को पता होगा, गाड़ी का पोटेंशियल पता होगा तो वो गाड़ी की अच्छी ट्यूनिंग कर पाएगा। और अच्छी ट्यूनिंग अगर एक बार हो जाए तो गाड़ी अमर है। तो जब भी आप कहीं से, मैं ज़रूरी नहीं है मैं ये कहूँ कि भाई आप मेरे पास ही लगाओ, आप जहाँ भी अपने आसपास जहाँ से भी सीएनजी लगाएं आप हमेशा ये देखें कि जो आपका इंस्टॉलर है वो ट्यूनिंग में कितना साउंड है। किट लगा देना किट का तो काम है, चलो गैस फेंकना गैस यहाँ से वहाँ फेंकेगी हो गया काम, बट उसको कितनी फेंकनी है कितना एयर फ्यूल रेशो है वो सब चीज़ों को कैलिब्रेट करना मेन कला वो है। ये क्वेश्चन मेरा भी था भैया से बार बार कि भैया कौन सी किट लगाओगे कौन सी किट लगाओगे, तो भैया ने एक ही बात कहा कि आप आओ मैं आपका बेस्ट से बेस्ट आपको जो बोलोगे वो किट लगाऊँ, लेकिन जो ट्यूनिंग करेंगे उस पर सब डिपेंड करता है। आप देखिए बहुत से लोग होते हैं महंगी महंगी किटों के नाम लेते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ देखो भाई महंगी लगा दूंगा बट महंगी लगा के आप एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड कर रहे हो, मेरा तो कोई फायदा नहीं है ना आपसे मैं एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड कर रहा हूँ, अगर आपके मैं 5-7-10 हज़ार रुपये बचा देता हूँ तो आपको ज़्यादा फायदा है ना, तो आप फायदे के लिए तो सीएनजी लगा रहे हो ना। तो किट्स के ब्रांड्स के पीछे मत भागें, आप बस इंस्टॉलर अच्छा ढूंढें ट्यूनर अच्छा ढूंढें जिसको गाड़ी के पोटेंशियल का पता हो। तो इन तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।